हूँ त्रिशला यादव और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट शख्सियत में, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक बड़े चेहरे, बड़े शख्सियत से कराते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में कुछ अच्छा योगदान दे रहे होते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ आईएएस अधिकारी आईएएस हीरा लाल मौजूद है, जो कि मौजूदा समय में एडिशनल मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या रही उनकी जर्नी और किस तरह से आगे वो कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भी धन्यवाद, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि आईएएस अधिकारी बनने के बाद से लेकर अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही? देखिए, ऐसा है कि कुल मिला करके मुझे मेरी जो लाइफ की जर्नी है, मुझे अच्छा लगा और मैं इसको अच्छा मानता हूँ, सफल मानता हूँ। मैंने, मेरा जो जन्म हुआ, मैं जनपद बस्ती का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, और बस्ती के ब्लॉक साउ घाट में एक गाँव बागडी है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा कक्षा 5 तक की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल, सरकारी का जो प्राइमरी स्कूल होता है, मैंने प्राइमरी से पढ़ाई किया। फिर वहीं पे एक 6 से 8 तक पढ़ाई की, एडेड स्कूल था प्राइवेट, और मैं 9 से 12 तक GIC बस्ती में पढ़ा। उसके बाद मैंने BTEC किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं MTEC IIT BHU से, और उसके बाद फिर तैयारी किया और मैं PCS में हो गया। और 2010 में मुझे 2010 बैच अलाट हुआ है IAS में जी। और इसी बीच जब IAS PCS हो गया और IAS हो गया, तो बहुत जगहों पे पोस्टिंग हुई और बहुत कुछ करने का मौका मिला जी। और एक साल मैं अमेरिका में भी रहा जी। एक साल वहाँ जा करके पढ़ाई किया, तो गांव का परिवेश भी देखा, जो चूँकि बस्ती जनपद मेरा एरिया वो पिछड़ा है जी। और अमेरिका का एक साल रह करके जो डेवलप्ड स्थिति है अर्बनाइजेशन का, वो भी देखा। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जो पिछड़ा इलाका है, पिछड़े इलाके का जो मेरा बचपन का जीवन है, वो नॉर्थ पोल है, वो अमेरिका का जो मैंने एक साल रह करके वो वाला जीवन देखा, वो साउथ पोल है। तो मेरा दोनों अनुभव है, और एक ये जो है अच्छा अनुभव मेरे पास है और वही मेरा साथ देता है। आपकी किताब आने वाली है, उस किताब का नाम डायनेमिक डीएम, ये नाम दिमाग में आया कैसे और ये नाम आपने रखा कैसे? एक्चुअली मैं कलेक्टर बांदा था और वहाँ मैं अगस्त 18 से लेकर के और फरवरी 20 तक कलेक्टर करीब 1.5 साल था जी। तो वहाँ एक साल जब मेरा बीत गया, तो वहाँ एक बुंदेलखंड न्यूज नाम के न्यूज चलाते हैं लोग, तो उन लोगों ने एक साल का जब कार्यकाल पूरा हुआ तो एक करीब 8 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया और उसका शीर्षक था डायनेमिक डीएम। तो वो एक साल में जो हमने अच्छे काम किए थे उसी को उन्होंने दिखाया, और उसमें उन्होंने जो नाम रखा डायनेमिक डीएम, उसके बाद धीरे धीरे वहीं से इस डायनेमिक डीएम नाम की शुरुआत हुई। फिर पेपर वाले लिखने लगे, उसके पीछे कारण ये था, मैं मेहनत बहुत करता था, दिन में कई मीटिंग करना, कई स्पॉट विजिट करना, लोगों से मिलना, तो ये जो डायनेमिक डीएम का जो नाम हमने उठाया है ये वहाँ से लिया है, क्योंकि वहाँ लोग निकनेम हो गया था मेरा डायनेमिक डीएम, क्योंकि मैं मेहनत करता था, भागता रहता था और काम करता रहता था। इस किताब में क्या कुछ है? इस किताब में देखिए, ये किताब सुशासन पे आधारित जो काम, देखिए हमारा जो रोल है वो ये है कि हम गवर्नेंस के आगे गुड जोड़ करके गुड गवर्नेंस करें। तो जो हमने बांदा में गवर्नेंस को इम्प्रूव किया, गुड गवर्नेंस प्राप्त करने के लिए काम किए, वो कुछ हमने इसमें 13-14 काम मैंने अंकित किए हैं, इसमें लिखे हैं 13 चैप्टर के रूप में। और वर्तमान में एक पिछले 1.5 साल से मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हूँ, उसका नाम है माडल गांव, तो उसको भी मैंने इसमें लिखा है। तो ये जो पूरी किताब है ये गवर्नेंस पर आधारित है, कैसे जनता की सहभागिता से, जनता के द्वारा, जनता के नेतृत्व में जनता आगे आगे और जनता की अगुवाई में उसके पार्टिसिपेशन से, प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट से सुशासन प्राप्त किया जाए, ये इस किताब का सार है और यही मैंने लिखा है। हीरा लाल जी, गुड गवर्नेंस इस किताब से कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, गुड गवर्नेंस ऐसे इस किताब से आगे बढ़ेगा कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में हम लोगों समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, इनकम की समस्या है, महिला विकास की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हम लोगों के सामने।
तो जब हम लोग ये जो सामाजिक समस्याएं हैं जिससे कि हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीड़ित है, जब हम इनसे इन समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो लगता यह है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, पद चाहिए, पावर चाहिए और पैसा चाहिए। हमने जो काम किया बांदा में उसमें ना इन सब की जरूरत नहीं थी, बल्कि जनता को मोटिवेट किया, जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, जनता आगे आगे, जिला प्रशासन पीछे पीछे, और सामाजिक समस्या का समाधान जनता ने स्वयं दिया। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेटरी जो समाधान है वही इसमें लिखा है। जब लोग इसको पढ़ेंगे, इस ट्रिक इसमें जो ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनाई गई है उसको समझेंगे और लागू करेंगे तो समस्या का समाधान होगा और गुड गवर्नेंस बढ़ेगा। ये है इसका सार। जी, यह किताब किस किस के लिए उपयोगी है? देखिए, ये किताब तो मैं कहूँगा कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये पानी की समस्या कैसे हल करोगे। अगर मेरे द्वारा जो इसमें लिखा गया है वो किया हुआ है, टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड सोल्यूशन है, तो इसमें जो चीज़ें समस्याओं का समाधान लिखा गया है वो टेस्टेड ट्राइड और वेरीफाइड है। अगर उसको पढ़ेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं अनगिनत समाज में और उसका समाधान प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक क्या हो सकता है, इससे उसको एक तो सहयोग मिलेगा। और जितने हमारे अधिकारी गण हैं, सब लोग जो जिले स्तर पर हैं, प्रदेश स्तर पर हैं या जहाँ भी काम करते हैं, सभी लोग गवर्नेंस ही करते हैं, तो अगर ये पढ़ेंगे तो उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या ट्रिक और टेक्निक अप्लाई की जाए कि जिससे गवर्नेंस अच्छा हो, बढ़िया हो, सुशासन मिले। तीसरी चीज, आम जन भी सारी सामाजिक समस्याओं से जूझता है, तो अगर वो भी पढ़ेगा तो उसको भी बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी सुशासन में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देगा, अपना जो है कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये किताब मोटा मोटा सभी के लिए उपयोगी है। जी, किताब लिखने में क्या क्या परेशानी आई? देखिए, मैंने ये जो किताब लिखी पहली बार लिखी है और किताब लिखने का मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा, साहब कि जब आप यहाँ से हट जाएंगे तो ये धीरे धीरे आदमी भूल जाता है और जो ये अच्छे काम हो रहे हैं इसको लोगों को कैसे पता लगेगा। तो देखिए, हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको अगर हम कहीं लिख देते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट के फार्म में, चाहे रिसर्च पेपर के फार्म में, चाहे किताब के फार्म में, तो वो जो है फिर आगे वाली जनरेशन पढ़ती रहती है और उसका रिप्लिकेशन होता है और उसका फायदा मिलता है। तो मैंने देखिए, किताब लिखने का दो ही तरीका है, या तो इस हमारा आइडिया मैं उसे बताऊं कोई दूसरा लिखे, या मैं स्वयं लिखूं। तो चूंकि मुझे अनुभव नहीं था तो हमने कोशिश किया कि हमारी ये किताब कोई दूसरा लिख दे। इसके लिए मैंने हायर भी किया, प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। तो फिर इसको एक उमा शंकर यादव जी हैं, ये रहने वाले रायबरेली के हैं और रहते हैं गुजरात में, तो उनसे मेरी परिचय हुआ और वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल बनाते हैं, मतलब चलाते हैं पिछले 5 साल से, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने, हमने उनसे चर्चा की इस किताब की और उन्होंने इसकी ताना, तो एक कुमुद वर्मा जी हैं और वो उनके हस्बैंड आईएम में प्रोफेसर, वो किताब लिखती हैं, हमारा उनसे बात हुआ और उन्होंने, हमने उन्हें मटेरियल दिया और किताब की एक रूपरेखा तय हुई। उसके बाद फिर मैंने खुद इस किताब को, जब वो रूपरेखा बन गई तो मैंने इस किताब को अपने लैंग्वेज में, देसी देहाती सहज जो यहाँ का लोकल शब्द है उसमें मैंने इसको इम्प्रूव किया और प्रभात प्रकाशन ने इसको छापा है। और तो मतलब इस किताब के बनाने में बहुत सारी जो दिक्कतें आई भी और उसका समाधान भी मिला, और इसको करने में 2 साल लग गए क्योंकि ये मेरा पहली किताब है। अगर बात किया जाए तो पहली किताब आपने अपनी लिख ली है, क्या आगे भी किताब लिखने का कार्य जारी रहेगा? हाँ, यस, बिल्कुल, किताब लिखने का कार्य जारी रहेगा। अभी हम लोगों का प्लान है कि अगला किताब हम लोग माडल गांव पे लिखेंगे, क्योंकि अब हमें किताब लिखने के, किताब लिखी कैसे जाती है, किताब छपेगी कैसे, किताब बिकेगी कैसे, ये पूरा इसका जो इको, किताब से रिलेटेड जो इको सिस्टम है इसकी हमें पूरी जानकारी हो गई है। और अब जो काम हमें इस किताब को लिखने में, हमें जो 2 साल लगा, अब हम वो काम 6 महीने में कर लेंगे क्योंकि सारा इसका ताना बाना और इसकी जो जानकारी बेसिक्स है वो हमें हो गई है। हीरालाल जी, आपने मॉडल गांव का जिक्र किया, एक आईएएस अधिकारी और मॉडल गांव, आखिर है क्या मॉडल गांव? देखिए, मॉडल गांव ये है कि
इंडिया गांव का देश कहा जाता है, आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं वो भी गांव पे निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लखनऊ शहर में रहते हैं तो यहाँ दूध कहाँ से आता है, अगल बगल के गांव से, सब्जी कहाँ आता है अगल बगल के गांव से, खाने का सामान कहाँ आता है अगल बगल, तो अगर देखा जाए तो गांव ही धुरी है। तो अगर गांव का विकास नहीं होगा तो हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ये सच्चाई भी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने रिपब्लिक विलेज की बात की थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने पूरा स्कीम चलाया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन ही मॉडल गांव है। और ये जो मॉडल गांव जो काम हमने बांदा में किया तो उससे क्या हुआ कि पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया एक साल में, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया, लोकसभा 2019 के चुनाव में 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, जेल नंबर 1 हो गया, मल न्यूट्रिशन का इतना अच्छा काम हुआ कि नीति आयोग ने अपने पेज नंबर 73 पे हमारे उस मॉडल को लिखा, अरहर सम्मेलन हुआ। तो ये जो हमने वहाँ विकास किया उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेक्नोलॉजी के सहारे प्रदेश देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों का विकास हो, गांव के लोग विकसित हों, धनी हों, संपन्न हों, खुशहाल हों और गांधी जी का और डॉक्टर कलाम साहब का सपना पूरा हो। एक IAS अधिकारी और मॉडल गांव, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इतनी व्यस्त जिंदगी में किस तरह से आपको मौका मिल रहा है एक नई उम्मीद की किरण हमारे गांव के लोगों को देने का? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ हाबी होती है, ठीक है, जैसे बहुत लोग गाना गाते हैं, बहुत लोग पुस्तक लिखते हैं, बहुत लोगों को खेलने की हाबी है, बहुत हमारे अधिकारी हैं जो खेल में बहुत आगे गए हैं, अच्छा खेलते हैं, बहुत लोग पिक्चरों में काम कर रहे हैं, बहुत लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो मेरी हॉबी एक तरह से, चूँकि मैं गाँव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा, मेरा पृष्ठ में किसान परिवार से आता भी हूं, तो मेरा गांव से एक लगाव है और गांव मेरे खून में है, मेरे सोच में है। तो जो अवकाश का छुट्टी का दिन होता है, जैसे कल सैटरडे और संडे छुट्टी है, तो जो छुट्टी का समय होता है मैं गांव के विकास के इस कार्यक्रम में एज ए हॉबी लगाता हूँ। तो सरकारी काम मेरा उस तरह से चलता रहता है, जो मेरा छुट्टी का समय होता है वो एज ए हॉबी मैं अपने इस समय को मॉडल गांव को देता हूं और इस तरह से ये अच्छा काम कर रहा है। हीरालाल जी, आपकी किताब जो डायनेमिक DM है, हमारे जो दर्शक है वो कहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं? और ये डायनेमिक DM की किताब जो है ये है जी। और ये इसका लुक वगैरह भी अच्छा आया है, ये मार्केट में आ गया है, आदमी इसको ऑनलाइन भी खरीद सकता है और इस पे इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, उस फोन पे बात कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। और इसका किंडल एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो भी अवेलेबल है और ये अभी ये बेस्ट सेलर में आ गई है, अभी 3-4 दिन पहले ही इसको प्री लॉन्चिंग हुई थी तो बेस्ट सेलर में किताब आ गई, लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं, खूब खरीद रहे हैं और ये हर मोड में, ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन, हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, हर फार्म में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। आज के डेट में जो किताब खरीदने का तरीका है वो ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है तो ये सोशल मीडिया और जो भी और मीडिया उसके माध्यम से ये उपलब्ध है। प्रभात जो पब्लिकेशन है ये इंडिया का टॉप 5 पब्लिकेशन है तो उनके पास बुक सेलिंग के सारे नेटवर्क हैं तो वो सबको उन्होंने सबको बता रखा ये किताब आई है तो ये हर जगह ऑफलाइन ऑनलाइन उपलब्ध है। जी, आपका हमारे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और किताब की चर्चा की, बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे IAS अधिकारी डॉक्टर हीरालाल, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया और साथ ही साथ उनकी एक किताब भी आ गई है। मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग भी इस किताब को पढ़ें और एक IAS अधिकारी की एक अच्छी पहल को जरूर अप्रिशिएट करें। आज के हमारे सेगमेंट में इतना ही, देखते रहिए Prime TV।